सुप्रभात बच्चों, कक्षा 11वीं में गृह विज्ञान के में सब्जेक्ट में हम आज पढ़ेंगे घर का चुनाव और प्रश्नों के अभ्यास। मकान का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, या घर का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो घर का चुनाव करते समय हमें यह सोचना पड़ता है कि घर कहाँ हो, सड़क पर हो, नगर पे हो, कोने में हो, नगर से थोड़ी दूर हो, नगर के साथ लगा हुआ हो। यह एक कठिन समस्या हो जाती है कि किस स्थान को चुना जाए। इस समस्या को सुलझाने में प्रत्येक सदस्य की सुविधा देखनी होती है, और सामान्यतः मकान उस जगह पर बना हो जहाँ से हमें प्रत्येक सदस्य को कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हों। और घर का निर्माण करते समय या किराए पर लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए बच्चों के स्कूल पास में हो, बाजार हो, परिवार के हर सदस्य को जो भी कार्य करता है उसे भी ऑफिस जाना, व्यापार और उसका ऑफिस नजदीक हो, मकान शहर के कोलाहल से भी दूर हो, है ना, ऐसी जगह चुनना चाहिए। फिर है अच्छे मकान में कमरों का विभाजन किस आधार पर होता है। उत्तर है, घर के विभाजन के समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्नान गृह का प्रवेश द्वार सोने के कमरे से नहीं होना चाहिए। यह व्यवस्था सोने के कमरे में तभी संभव है जबकि प्रत्येक कमरे के साथ साथ बाथरूम लगा हो। रसोई घर से भी स्नान घर का प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए। स्नान गृह में से एक से अधिक प्रवेश द्वार नहीं होने चाहिए। खाने के कमरे का और उठने बैठने के कमरे अलग होने चाहिए। फिर रसोई घर तथा सोने का कमरा भी ऐसे स्थान पर हो जहाँ से आवागमन कम हो। भंडार घर का भी रसोई घर के पास होना चाहिए ताकि सामान रखने और निकालने में सुविधा रहे। रसोई घर में कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न स्थल हो, जैसे खाना बनाने का स्थान, और जहाँ पर सभी स्थान कार्य के अनुसार क्रमवार ही होने चाहिए। खाना खाने का स्थान, फिर है कि खिड़कियां दरवाजे हो रसोई घर में, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और क्रमशः ये ताकि पॉल्यूशन ना हो हमारे घर के अंदर। अब हम आगे देखेंगे कि बहुउद्देशीय कमरे के लाभ और हानियां क्या है। बहुउद्देशीय कमरे में उद्देश्य है कि कम जगह में ही अधिक से अधिक सामान रखा जाए और अधिक परिवार जनों पर रह सके। फिर कम खर्च से आवास समस्या समाधान हो जाए। घर में उपलब्ध मनोरंजन सामग्री जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर आदि का उपयोग एक साथ अधिक लोग कर सके। कम खर्च से सुविधाएं उपलब्ध हो सके। फिजूल खर्ची की बचत होती है। घर में साफ सफाई, देखभाल, सुरक्षा हो सकती है। गृहिणी के श्रम की भी बचत हो जाती है। अब हम देखेंगे कि बहुत इस कमरे के लाभ क्या है। कम खर्च से अधिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना, फिजूल खर्च को नियंत्रित करना, गृहिणी के श्रम और समय की बचत होना, परिवार जनों को परस्पर सहयोग और प्रेम बना रहता बहुत जैसे कमरे। फिर बहुत अधिक वस्तुओं की कम से कम आवश्यकता होती है, कम स्थान की जरूरत रहती है। निम्न आय के लोगों की आवास समस्या का भी निवारण होता है और परिवार पर आर्थिक भार नहीं बढ़ता। हानि क्या क्या है? हानियां है, कमरा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता। बहुउद्देशीय वाला कमरा रोगी व्यक्ति की श्वास लेने में घुटन होती है ना, और संक्रामक रोग भी फैल सकते हैं। घर में साफ सफाई व्यवस्था उचित नहीं होती। परिवार जन मानसिक रोग और विचारधारा पनपती है। जीवन में व्यक्तिगत नहीं होते। घर में व्यक्तिगत कला प्रदर्शन का भाव बना रहता है। किससे? बहुउद्देशी कमरे यानी एक ही कमरे में सब कुछ हो तो ये सब नहीं हो सकता। ये हानियां हैं।
आवास समस्या के कारण और समाधान क्या है? तो आवास समस्या के कारण है जैसे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि में जिस प्रकार विज्ञान के हर क्षेत्र में विकास किया है वैसे ही भौतिक सुख साधन का अनुपात भी बढ़ा है और जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है। तो मकान या कमरे एक से अधिक व्यक्तियों के रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है, यह समस्या है। कल कारखानों की भी वृद्धि, देशों में इतनी वृद्धि हो गई है कि आसपास प्रदूषण फैल रहा और कल शहरों में भी कारखाने हो गए हैं। कर्मचारी अधिक संख्या में होते हैं, उन्हें भी आवास के लिए कठिनाई होती है। कल कारखानों भी आसपास खुल जाते हैं, तो बड़ी समस्या का एकाकी परिवार। आजकल लोग अलग अलग रहने लगे हैं, तो यह भी एक जनसंख्या का कारण है। पुत्र बहू है एक साथ रहा करते हैं। एकाकी परिवार की व्यवस्था प्रचलित अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत आवास की जरूरत होती है। आवास समस्या बहुत बड़ी हुई है। ऐसे भी परिवार जिनके पास बड़े बड़े आवास हैं और परिवार अलग अलग है, यह भी समस्या को बढ़ावा देता है। नौकरी पेशा की प्रवृत्ति, आज शिक्षा का प्रसार इतना हुआ कि शिक्षित लड़के तथा लड़कियां नौकरी में करने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, तो इससे भी जबकि व्यक्तियों के पैतृक निवास खाली है व्यर्थ पड़े ही है, जिस जगह समस्या का कारण है। आधुनिक भौतिक सुख साधन की उपलब्धियां की गई हैं, प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम उस साधनों का उपयोग नहीं करना चाहता जो संयुक्त रूप से संयुक्त परिवार में है, संभव नहीं है। मकान की बनावट के समय कौन कौन सी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए? घर बनवाने के पूर्व एक कुशल इंजीनियर से हमें सलाह ले लेनी चाहिए, नक्शा बनवाना चाहिए। फिर नींव, सबसे पहले है नींव। नींव पर मकान टिकाऊपन और निर्भर करता है। नींव गहरी ठोस होनी चाहिए, पत्थर की नींव अधिक मजबूत होती है ना? और इसमें कभी कभी नींव की भराई पत्थरों के आकार के अनुसार की जाती है। सबसे पहले पत्थर के बीच मिट्टी बजरी बजरी पर मोटी रेत डाल दी जाती है। मोटी रेत पर बारीक रेत डालकर खुदाई की जाती है और मकान की मजबूती सीमेंट रेत कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। फिर है मंच या कुर्सी, यानी ये प्लेटफॉर्म चुना जाता है कि कैसे जमीन में चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, फिर उसके ऊपर कमरे बनाए जाए। मकान का फर्श जमीन की ऊंचाई पर बनाया जाता है और इसे ही मंच कहते हैं, है ना? नींव डालने की एक मंच टाइप का बना होता है, इसमें ये कमरे बनाने ये बना ऐसे बना होता है ना? ये इसे मंच कहते हैं। फिर प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए कि प्रकाश के लिए खिड़की होनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था है ना? प्रकाश की व्यवस्था देखना चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, वेंटिलेशन जिसे कहते हैं हम, वेंटिलेशन है ना? आसपास नलों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, छत सपाट कई प्रकार की डलती है, सपाट भी और ट्रायंगल भी पानी की व्यवस्था, ये सब हमें मकान बनाते समय देखना चाहिए। ये मकान बनावट की आपकी सुविधाओं के बारे में बताया गया है कि क्या क्या सुविधा घर में होनी चाहिए। बच्चों आपको ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में उतारना है और याद करने हैं ताकि परीक्षा के लिए आप तैयार हो सकें।